नमस्कार। आज सुबह अखबार के पहले पन्ने पर बड़े तीखे और तल्ख तेवर, मगर दोपहर आते आते एक पत्र जारी होता है और कहा जाता है कि ये वक्तव्य मेरा नहीं है। जी हाँ, टिकट की तनातनी के बाद जो चीज़ें शुरू हो रही है, जो उठापटक दिखाई दे रही है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। मामला विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी को अवसर दिया है, तो साथ ही जिनका टिकट कटा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा है, बैरूसी शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी, जो लगातार वहां से दो बार जीत रहे थे। तो उसके बाद आज सुबह का अखबार आता है, अखबार के पहले पन्ने पर ये पंक्तियां लिखी हुई दिखाई देती है, जिसमें कि नरपत सिंह राजवी के हवाले से ये कहा जाना बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि आखिर महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले लोगों से पार्टी उन पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है, पार्टी को उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है। और ये बातें यहाँ चर्चाओं में रहती है, सुर्खियों में रहती है, मगर दोपहर आते आते पुनः नरपत सिंह राजवी के हवाले से एक आधिकारिक पत्र जारी किया जाता है। पत्र उनके सचिव मनीष कुमार के द्वारा जारी किया जाता है और कहा जाता है कि हमने किसी भी अखबार या किसी भी न्यूज़ चैनल को कोई वक्तव्य नहीं दिया है, जब कभी ज़रूरत होगी हम देंगे। मैं पत्र आपको पढ़कर सुनाता हूँ आखिर उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। उस पत्र में लिखा हुआ है कि श्री नरपत सिंह राजवी द्वारा किसी भी समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल को कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। 23 अक्टूबर 2023 को श्रद्धेय श्री भैरूसिंह शेखावत के जन्म शताब्दी दिवस के सफल आयोजन हेतु बैठकें चल रही है, अतः जब भी मीडिया से बातचीत करनी होगी सभी को सूचित कर दिया जाएगा। मनीष कुमार, कार्यालय निधि सहायक, श्री नरपत सिंह राजवी। ये उनके हवाले से पत्र जारी किया जाता है और ये जो एक खबरों के बाजार में एक डैमेज दिखाई दे रहा था, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और इस डैमेज कंट्रोल में बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी के कद्दावर नेता अरुण सिंह की रही, क्योंकि सुबह के अखबार की सुर्खियों से लेकर दोपहर के इस लेटर तक इसके बीच का एक वीडियो और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिस वीडियो में अरुण सिंह नरपत सिंह राजवी के घर जाते हुए दिखाई देते हैं। घर में प्रवेश करते हैं, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, उस बंद दरवाजे के भीतर कुछ चर्चाएं चलती है, चर्चाओं से कुछ न कुछ समाधान निकलता है और उस मंथन के बाद एक पत्र जारी होता है। तो हालांकि अगर अभी देखा जाए तो एक बार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस डैमेज को कंट्रोल कर दिया है, स्थितियों को सब कुछ कुशल मंगल है वाले मोड पर लाने की कोशिश हो रही है और जो कल से इस टिकट वितरण के बाद एक विरोध देखा जा रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पुनः कोशिशें होगी कि उस विरोध को भी साधा जा सके। तो यकीनन ये जो एक उठापटक चल रही है, इस उठापटक को भी साधने की पुरजोर कोशिश हुई है अंदर खाने। चीज़ें कब तक इसी तरह से रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्या चीज़ें चुनाव तक सदी हुई दिखाई देती है ये भी देखने वाली बात होगी, मगर आज का पूरा घटनाक्रम रहा, उस घटनाक्रम के बाद दोपहर आते आते भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस एक पत्र के जारी होने के बाद राहत की सांस ली होगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।